हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीमर्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूप। ठंडियों के दिनों में ये खाए बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी है बनाने के लिए और बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बारीक कटा हुआ कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज और बीन को अच्छी तरह चॉप कर लिया। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज, अदरक लहसुन को भी चॉप कर लिया है, मटर ले लिया है कुछ, और फिर हमने सारे चीज़ों को अच्छी तरह चॉप कर लिया है। फिर हमने एक कढ़ाई लिया है जिसमें हमने 2 टेबलस्पून बटर दिया है। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल या रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर सूप बटर में बनाने से ज़्यादा डिलीशियस बनता है, इसलिए हमने बटर लिया है। फिर हमने यहाँ पर अदरक लहसुन को दे दिया है और प्याज को दे देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, थोड़े देर 2 मिनट के लिए कुछ फ्राई करेंगे, ज़्यादा कलर चेंज नहीं होने देंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम सारे सब्जियों को दे देंगे। तो आप चाहे तो अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने सब्जी ले सकते हो। बेबी कॉर्न भी देने से बहुत डिलीशियस बनता है सूप, क्योंकि ठंडियों के मौसम में जो जो आपको सब्जियाँ अच्छा लगता है आप दे सकते हो। मुझे यही सब सब्जियाँ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने यही दिया है। आप अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग दे सकते हो। फिर हमने नमक स्वाद अनुसार दे दिया और देने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, हमें इसे मिक्स करना है, ज़्यादा देर हमें इसे फ्राई नहीं करना है सब्जियों को। अभी हमने यहाँ पर मटर को दे दिया है, मटर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने दिया। अगर आपको मटर पसंद ना हो सूप में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। फिर अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हमने यहाँ पर गुलमरीस, जिसे हम बोलते हैं काला मिर्च, वो भी दे सकते हैं आप। काला मिर्च, गुलमरीस को हमने यहाँ पर घर में ही पीस के दिया है 1 चम्मच। आप चाहे तो रेडीमेड जो मार्केट में मिलता है उसे भी 1 चम्मच दे सकते हो, मगर घर में जो हम बना पीस के देते हैं ना, उससे एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है और सूप में बहुत डिलीशियस लगता है। फिर हमने 4 कप पानी लिया है, हमने यहाँ पर गर्म पानी यूज़ किया है। आपको सूप के अकॉर्डिंग ज़्यादा थिक चाहिए या थिन चाहिए, मतलब ज़्यादा गाढ़ा या पतला, आप उसके अकॉर्डिंग पानी दे सकते हो। तो ये देखिए, हमने 4 कप पानी दे दिया है और 10 मिनट ढक्कन को लगा दिया था। 10 मिनट के बाद ये देखिए सूप अच्छी तरह रेडी हो गया है, सारे सब्जियां अच्छी तरह पक गए हैं और इसमें अच्छे बॉयल भी आ रहे हैं, कलर भी देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हुआ है। तो इस टाइम हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है 1 चम्मच, जिसे हमने पानी में मिक्स कर लिया है थोड़ा, और अभी यहाँ पर दे देंगे कॉर्नफ्लेक्स। अगर आपको पसंद ना हो आप स्किप भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स हम इसीलिए देते हैं ताकि जो सूप रेस्टोरेंट में जैसे मिलता है ना एकदम गाढ़ा टाइप, तो वो ऐसा बनने के लिए और एक ग्लेस आने के लिए इसलिए देते हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर दीजिए। फिर ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद फिर से हमने इसे उबाला है और फिर हमने यहाँ पर धनिया दे दिया है ताकि एक स्मेल अच्छा आए और डिलीशियस बने। तो ये रहा हमारा सूप रेडी हो गया सर्व करने के लिए। यहाँ पर हमने ओरिगेनो दे दिया है सूप में ताकि स्मेल अच्छा है। अगर आपको पसंद ना हो आप स्किप कर सकते हो। तो ये रहा हमारा डिलीशियस रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।